नमस्कार दोस्तों, आपके अपने शो गुड इवनिंग इंडिया में मैं नमिता सचदेव एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे देश में हर धर्म के लोग अपने हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं और हर पर्व हमें कोई ना कोई सीख देकर जाता है, कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। उसके पीछे की एक वजह जरूर होती है कि क्यों उस त्यौहार को, उस पर्व को मनाया जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसी तरह से अगर जैन धर्म की हम बात करते हैं तो उसमें एक पर्व है क्षमावाणी पर्व, जो कि जैन धर्म के लोग तो ऑफकोर्स जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो। तो आज स्पेशली हम क्षमावाणी पर्व के बारे में बात करने वाले हैं और इस बारे में हमें खास तौर से इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर इंदु जैन मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत गुड इवनिंग इंडिया में। जय जिनेन्द्र। अब जितना मैं जानती हूँ क्षमावाणी पर्व के बारे में, वो यही है कि इस दिन बड़ा अच्छा दिन एक तो ये होता है और इस पर्व में लोगों से माफी मांगने का मौका मिलता है। एक दूसरे से तो मांगने का मौका मिलता ही है, लेकिन साथ साथ हमें जीव जंतुओं से, पृथ्वी से, आकाश से, जो खाना हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, उनसे भी हमें क्षमा मांगने का मौका मिलता है, जो जनरली मुझे लगता है आजकल की लाइफ में ना लोग करते नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगी ये पर्युषण पर्व कैसे मनाए जाते हैं। पर्युषण पर्व जो होते हैं ये एक आत्म शुद्धि के पर्व आते हैं। इसमें हम जो चारों तरफ से हमारे अंदर कषाय आ गई है, लोभ मान माया लोभ आ गया है, इनको हम आत्म शुद्धि करते हुए इनको हम अपनी आत्मा से दूर करते हैं और अपनी आत्मा में वास करते हैं। उस समय हम ध्यान, साधना, तप, संयम, इन सब से साधना करते हैं तो हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन शुद्ध होती जाती है और इस तरह करते हुए हम पर्युषण पर्व मनाते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और इसके साथ ही अगर दशलक्षण पर्व की बात करें तो ये क्या होता है? दशलक्षण पर्व जो है ये धर्म के 10 लक्षणों पर जब इसकी आराधना की जाती है। जैसे ये जो 10 लक्षण पर्व आते हैं, इसमें सबसे पहले होता है क्षमा। हम पहले दिन क्षमा से ही शुरुआत करते हैं। आप देखिए, इस 10 लक्षण पर्व का, पर्युषण पर्व की जो शुरुआत होती है वो क्षमा से होती है और क्षमा पर ही जाके खत्म होती है। तो पहला जो दिन होता है वो क्षमा का होता है। हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर क्रोध का भाव है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसको हम हटाते हैं। मतलब हम अपनी अंतरात्मा से क्रोध का जो भाव है उसको बिल्कुल नगण्य कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और क्षमा का भाव धारण करते हैं। दूसरे दिन हम जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो मार्दव की करते हैं। अच्छा। तो अपने अंदर से जो मान है, जो हमें अभिमान है, उसको हटाना। हर चीज, ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, कितने तरह के हम अभिमान करते हैं, तो घमंड हो जाता है हमें, तो उसको हटाना और हम मार्दव धर्म को अपनाना। तो वो हम मार्दव धर्म की पूजा करते हैं उस समय। फिर आर्जव धर्म आता है, तो हम अपने जो हमारी आत्मा है उसमें जो भी मायाचारी होती है, कहीं ना कहीं से जो छल कपट आ जाता है, वो हमारे अंदर ना आए कभी, उसकी हम आराधना करते हैं और इस तरह से हम आर्यों धर्म को अपनाते हैं। और फिर शौच धर्म आता है। अच्छा। तो हम धर्म उसको कहते हैं पर वो धर्म के लक्षण है। शौच, जैसे हमारे अंदर से जब तक लोभ मान माया और कषाय, जो कलुषता हमारे अंदर आ गई है, वो नहीं जाएगी तब तक वो पवित्रता नहीं आ सकती। कलुषता की अगर बात करें तो इसे कड़वेपन को कलुषता कहते हैं। कड़वेपन को आप कलुषता कह सकते हैं, पर हमारे अंदर जो छलकपट आता है, हमारे अंदर जो किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है कि हमारा मन दुखी होता है, अपवित्र हो जाता है, उसको हम हटाने का यहाँ पर भाव रखते हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो जब ये चारों चीजें, यानी कि हमने अपने अंदर क्षमा का भाव धारण किया, मार्दव का भाव धारण किया, आर्जव का भाव धारण किया और शौच का भाव धारण किया, जब ये सब धारण कर लेते हैं और क्रोध मान माया लोभ को हटा देते हैं, तब हम अपने अंदर सत्य का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। फिर उसके बाद सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य की आराधना होती है। ये 10 दिन की, ये 10 जो हमारे भाव होते हैं, इनकी आराधना हम करते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और इससे तो काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मतलब लाइक आपने कहा ना कि हमारे अंदर जो मैं आ जाती है, आजकल कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आ गई है, उनमें फॉरगिविंग एटीट्यूड नहीं है, जबकि उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि फॉरगेट एंड फॉरगिव जो है, ये जो फंडा है लाइफ में हमेशा अपनाना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अगर क्षमावाणी की हम बात करें,
एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इसका स्वरूप क्या है बेसिकली, हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, क्षमावाणी का स्वरूप जो है, मन में आप क्षमा का भाव धारण करें। ये बहुत कठिन होता है कि आप अपने अहम को त्याग कर किसी को आप क्षमा कर रहे हैं। हमारे उसमें, हमारे जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम कहते हैं, खम्मामि सर्व जीवाणाम सव्ये जीवा खमंतु में मित्ती में सब भूदेशु वैरम मज्झम ण केवणी। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मैं अपने को, मतलब मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मतलब हमने अपने, जैसे हम रोज के जीवन में कितनी तरह की, सुबह से उठ के हम शाम तक सफाई करते रहते हैं, चाहे आप सोचे कि हमने दांत की सफाई की, अपने शरीर की सफाई की, अपने घर की सफाई की, अपने कपड़ों की सफाई की, और आजकल आप देख रहे हैं कितनी स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा कि पूरे शहर को, नगर को, मोहल्ले को स्वच्छ बनाना है। पर इन जो, ये जो क्षमा का भाव है, ये मन को स्वच्छ बनाने वाला है। मतलब इसमें हम अपने मन की पवित्रता, तो इसके भाव यही होते हैं सबसे पहले तो, कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, और उसके बाद ये भाव धारण किया जाता है कि सभी जीव मुझे क्षमा करें, उसके बाद कि सभी जीवों से मेरी मित्रता है और किसी से भी मेरा बैर नहीं है। इसलिए इसके बाद हम कहते हैं मिच्छा में दुखडम, यानी कि मेरे जो दुष्कृत्य हैं, जितने भी हमने मिथ्या कार्य किए हैं, वो सब मिथ्या हो, वो सब क्षम्य करो, उस सब को क्षमा प्राप्त हो। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बातें आज आप हमें बता रही हैं, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी खूब अवेयर हो रहे होंगे क्षमावाणी पर्व के साथ। जिस तरह से आप यहाँ पर आने से पहले मुझसे बात कर रही थी और आपने कहा था कि ये जो पर्व है वो एक तरह से सौहार्द की बात करें या सहजता कह सकते हैं, सद्भावना, इस सब का प्रतीक है, क्या कहेंगे आप? उससे पहले तो सहजता का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। जिंदगी में आजकल युवाओं को आप देखिए कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, आजकल छोटे छोटे बच्चे तक टेंशन में आ जाते हैं। क्यों टेंशन में आ जाते हैं? क्योंकि वो बाहर की चीज को सहन नहीं कर पाते। तो ये जो पर्व, ये जो धर्म आराधना होती है, ये हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करती है जिससे हम संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य से निखर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों की अगर हमें टेंशन होती है, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, ठीक है, अब हमने अपने मन में गांठ बांध ली कि इसने हमसे कुछ ऐसा क्यों कहा। तो आजकल जो संवादहीनता हो रही है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण है अगर बीमारियों का, तो वो है लाइफ में टेंशन। और अगर हम अपने मन से किसी को क्षमा करते हैं, मान लीजिए आपने मुझसे कुछ कहा, मेरे मन में बैर का भाव आया, अब मैं टेंशन में रहूंगी, मुझे परेशानी, हम अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने अंदर बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि टेंशन से बीमारी होगी और बीमारी से फिर आपको इतनी सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्या जरूरत है इसकी? अगर आप एक सिर्फ और सिर्फ क्षमा का भाव धारण करें, ठीक है, इसने कुछ कहा तो कहा, मैं इसको क्षमा करता हूँ, फॉरगिवनेस, हाँ, आपने अपने मन में क्षमा को धारण कर लिया और आपने दूसरे को क्षमा कर दिया, आपने अपने अहम का त्याग किया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पर यहाँ पे आपको रोक के एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, आपको लगता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, जिस तरह का खान पान है, जिस तरह का रहन सहन है, या फिर जिन लोगों से वो मिलते हैं, क्या आज के टाइम में ये सब इतना पॉसिबल है और इतना ईजी है करना, लाइक फॉरगिवनेस की भी बात करें तो? फॉरगिवनेस डे तो क्या कहें, फॉरगिवनेस फेस्टिवल ये तो होना ही चाहिए। अब और ये विश्व मैत्री पर्व है, जी जी जी, क्यों विश्व मैत्री पर्व है? ये सिर्फ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस मनाने के लिए योग को पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया है, उसी तरह से क्षमावाणी दिवस को, क्षमावाणी पर्व को, महापर्व को विश्व मैत्री पर्व के रूप में पूरे विश्व पटल पे स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये एक महान पर्व है जिससे हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, हमारा तन मन शुद्ध होता है, और अगर मन स्वच्छ रहेगा तो तन अपने आप स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, और मन में कोई भी बीमारी नहीं आ पाएगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, वैसे मुझे तो पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि ये जो क्षमावाणी पर्व है ना, ये सिर्फ जैन धर्म में नहीं, जैसे आपने कहा विश्व स्तर पे इसको मनाया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से इसमें भी पहल की जानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका आज के लिए स्पेशली और हमारे क्षमावाणी पर्व पर दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम रोज
अपने घर की सफाई करते हैं, इसी तरह से हम अपनी अंतरात्मा की सफाई करें, अपनी मन की सफाई करें। और सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने मन से सभी लोगों को क्षमा करें, चाहे वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांग रहा हो या ना मांग रहा हो। अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया, इसका मतलब आपका मन साफ हो गया, और आपने किसी से क्षमा मांग ली, इसका मतलब आपका मन साफ हो गया। और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, आप अपने दुश्मनों से, अपने परिवार के सभी जनों से, इवन आप पृथ्वी का एक जीवों से, वायु का एक जीवों से, हम चलते फिरते, उठते बैठते, कितनी भी जाने अनजाने में भूल चूक हो जाती है, हिंसा आदि हो जाती है, उन सभी जीवों से छोटे जीवों के प्रति भी अहिंसा का भाव रखते हुए क्षमा मांगे और अपने मन को हमेशा शुद्ध और सात्विक रखें, यही एक भाव है। और एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, छोटी सी नहीं हालांकि बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता अक्सर कम है, बात छोटी है लेकिन मतलब बड़ा है। मतलब बड़ा है कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं और जब हम इस तरह की पूजा आराधना करते हैं, तो कभी भी ये भाव नहीं होता कि हमें सुख संपत्ति मिले या हमें संतान की प्राप्ति हो या हमारा परिवार सुखी हो। हमेशा एक तो विश्व के कल्याण की भावना होती है मन में, और हमेशा यही भावना होती है कि जिन गुणों की प्राप्ति करके भगवान स्वयं भगवान करे बने हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर भी वही गुण है, भगवान बनने के गुण है, हमें वही रास्ता दिखाया गया है। तो हम अपनी आत्मा के गुणों में ऐसा भाव पैदा करें कि हम वही त्याग तपस्या के बल पर हम स्वयं भगवान बन सकें। चलिए, बड़ी अच्छी बातें आज आपने हमें बताई हैं, हमारे दर्शकों को भी आपने सिखा दिया है कि आज क्षमावाणी जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है और किस तरह से हमारे जो मन की क्लेंजिंग है, मैं कहूंगी जो स्वच्छता है, शुद्धता है, वो हमें मिल जाती है। सो फॉरगिवनेस यानी माफ करना, क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म होता है हम सबका, मुझे लगता है उसे अपनाना। और आजकल अगर युवा इसे अपना लें तो वो तो सबसे ज्यादा टेंशन मुक्त हो जाएंगे और उनके घर परिवार सबसे ज्यादा सुखी हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि आज का जो यूथ है ना, अपना गुस्सा वो थोड़ा त्याग दे और सबको वो माफी देने और एक बात और है इसमें जोड़ना चाहूंगी कि इस तरह से तो हम क्षमावाणी पर्व मनाते ही हैं, पर साथ में हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, रोज शाम को बैठ के हम प्रतिक्रमण करते हैं और रोज शाम को हम क्षमा का भाव धारण करते हैं सभी के प्रति। तो जब हम रोज छोटी छोटी अपने मन की सफाई करेंगे जी, तो जी, वर्ष में एक बार, जिस तरह से हम दिवाली की सफाई करते हैं। सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर, वैसे थैंक यू सो मच, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो आपने इतनी सारी खास बातें हमें बताई और किस तरह से हमारा यूथ भी इस फेस्टिवल को अपना सकता, मैं कहूंगी उसे भी मनाना चाहिए और सिर्फ जैन धर्म में नहीं, हम सबको मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने का वक्त हो गया है, बात करते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। आपको बता दें कि 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे और एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ देश को आजाद कराने के लिए पूरे साहस के साथ मुकाबला किया। तो आइए इनके जन्मदिवस के मौके पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि इन्हें दे रहे हैं, देखते हैं। सुन जाना
नहीं, आपकी मर्जी, आप देख सकते हो उसमें से। सो गुड इवनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत। तो आज हमने बात की सबसे पहले क्षमावाणी पर्व के बारे में, और अब वक्त हो गया है सेवा सप्ताह के बारे में आपसे कुछ बातचीत करने का। देखिए, सेवा भावना हम सबके मन में होना चाहिए, और अभी तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सेवा सप्ताह चलाया हुआ है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, और जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज भी की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नेहा शालिनी दुआ हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ बच्चों के लिए काफी काम करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले मैं। थैंक यू। और जिस तरह से नेहा फाउंडेशन काफी ज्यादा काम करता है बच्चों के अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, किस तरह से आप रूरल इंडिया में जाकर वहां पर इस तरह से एजुकेशन फैलाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि जो हमारे देश के बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स भी हैं वो आगे बढ़ पाए। हम लोग पहले तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल टू स्कूल, जितने भी मतलब रूरल एरिया में या पिछड़े हुए इलाकों में स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल स्पेशली उन्हीं वहीं उन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं। वहां जाके फिर उन्हें सैनिटाइजेशन पे और पर्सनल हाइजीन पे वर्कशॉप्स लेते हैं। सेक्सुअल एजुकेशन अगर मैं कहूँगी तो कई बार उस वर्ड को लोग पकड़ लेते हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन, तो इसको मैं सैनिटाइजेशन कह दूंगी या पर्सनल हाइजीन पे, गुड टच बैड टच पे वर्कशॉप्स लेते हैं। तो वहां से ऐसे ऐसे किस्से निकल के आते हैं जो हमें खुद ही बहुत हैरानी होती है कि गर्ल्स जो 7th-8th स्टैंडर्ड में होती हैं, वो बताती हैं कि मैम जैसे आप बता रहे हो ऐसे टच तो हमारे कई बार ताऊ जी हमारे साथ कर लेते हैं। लाइक सो उनके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है, बच्चों को ये लगता ही नहीं ना, जब आप 12-13 साल के हो तो हमें नहीं पता लगता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। जैसे जैसे वंस वी ग्रो अप तो हम लोगों को पता लग जाता है कि हाँ यार इसकी नज़र हमारे ऊपर खराब है, लेकिन जब हम 10-12 साल की उम्र में होते हैं हमें इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। तो प्राइवेट स्कूल में तो ये सब अवेयरनेस पहले से ही थी। मुझे लगा कहीं ना कहीं सरकार को मतलब या मुझे कोई इनिशिएट लेना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में ये सब स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने परमिशन मांगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दी कि ठीक है आप सैनिटाइजेशन पे या सेक्सुअल एजुकेशन पे वर्कशॉप्स ले सकते हो। वहां जाके मैंने देखा कि लोगों के अंदर, चलो बच्चों में ये चीज तो अवेयरनेस की कमी थी ही कि उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसके अलावा जैसे कई 17 एज की गर्ल्स थी, वो कहती कि मैम हम लोग 11th क्लास में हैं, हमारी 12th में आते साथ ही हम लोगों की शादी हो जाती है, मतलब हमें जबरदस्ती कह दिया जाता है कि शादी करनी है 12th के बाद तो करनी है, चाहे आप 17 के हो, चाहे आप 16 के हो, चाहे आप 18 के हो, तो हम शादी नहीं करना चाहते, हम कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि आपको आगे नहीं पढ़ाना, कहते कि वो कहते हैं हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आप पेरेंट्स को हमारा खर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। कहते कैसे मैम, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा आप एक फॉर्म होता है छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, एक फॉर्म दिया जाता है, उसे फिलअप करके मुझे दीजिए, मैं वो फॉर्म जाके आपका स्कूल में मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट कराऊंगी और आपको छात्रवृत्ति योजना के लाभ। तो ऐसे कर करके तकरीबन 1,000-2,000 लड़कियां जिन्होंने उसके अंतर्गत अपना नाम लिखवाया कि उन्होंने जाके पेरेंट्स से बोला कि अगर आप अब हमें पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते तो हमारे कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। अच्छा, वेरी नाइस। तो उनके पेरेंट्स ने यही कहा कि ये कौन तुम्हें ऐसी बातें सिखाता है। तो उन्होंने कहा मैम ने बताया और ये झूठ नहीं है। फिर उनके पेरेंट्स को भी ना लगा कि ये झूठ है, ये एक जैसे कहते हैं रूमर है, ऐसी कोई योजना नहीं होती, पैसा तो हमें ही खर्चना पड़ेगा, ये बस आज आके मैम बोल रही है और कल को चली जाएंगी, तो करना तो हमें ही है, सिर्फ कह रही है, सिर्फ कह रही हैं, होगा कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने उनमें से कुछ बच्चों की लगवा दी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, उनका आपको पता है कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पहले 6,000 सालाना दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका डबल कर दिया अमाउंट, 12,000 रुपए सालाना दिया जाता है बच्चे को, ये लगा लीजिए 1,000 रुपए हर महीने। तो आई थिंक जो बहुत गरीब फैमिली के होते हैं उनके लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उनके पढ़ाई का खर्चा एटलीस्ट पेरेंट्स को निकल रहा है। तो जब कुछ लोगों की ये स्कीम के अंतर्गत मैंने ये सब करवाया, फॉर्म भरवाए और उनको रजिस्ट्रेशन करा के उनकी स्टार्ट करवाई, तो उनके अंदर ये विश्वास जागा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ ऐसी कुछ योजना है, इसका मतलब सरकार चला रही है जिसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। अच्छा, एक चीज मैं नेहा यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि पेरेंट्स को एडुकेट करना मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा डिफिकल्ट है। ज्यादा, बहुत। वो आप कैसे करते हैं? उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप ली थी लास्ट
सब बच्चों ने ये कहा कि हम लोगों को समझाना मैम फिर भी इजी है, बट हमारे पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है। तो जब मैंने कहा ठीक है आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तो प्रिंसिपल से परमिशन ली, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, कुछ पेरेंट्स आए भी। तो जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो रिजिड थे इस बात को लेके कि 17 साल में अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारे गांव में उसके बाद लड़की की शादी नहीं होती। ये कल्चर तो उन्होंने खुद ही बनाया। तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, वो रिजिड थे कि क्या फर्क पड़ता है अगर 17 में शादी हो जाएगी उसके बाद हम इसका फिर हस्बैंड पढ़ाना चाहे तो पढ़ा ले, नहीं पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ाए। मैंने कहा आपने कितनी 17 साल की अपनी अपनी बड़ी बेटी की भी आपने ऐसी शादी की थी, आज उसके 19 साल में 2 बच्चे हैं। कह रही हाँ, तो मैंने कहा कितनी पढ़ाई कर ली, तो पढ़ाई करने का मौका मैंने कर ली, नहीं करने वाले कर भी लेते हैं बट गाँव की मैं बात, हाँ गाँव की बात थी, बहुत मुश्किल होता है कर पाना। तो वो लोग, वो लेडी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका कहना ये था कि हम 17 में इसकी शादी करेंगे, कौन सा इसने कलेक्टर बनना है या इसको इंजीनियर मिलना है। मैंने कहा अगर इसको इंजीनियर मिल जाए, अगर कोई IAS ऑफिसर मिल जाए। कहती मैम आप लोग ऐसे बड़े, मतलब आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसी बातें करते हो, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तो फिर मैंने उनको बैठ के बहुत सारी चीजें स्कीम्स बताई कि आप लाडली, तो सरकार की तरफ से बड़ी बिल्कुल लाडली योजना है। पहली बात, आपने पहले से ही इसका क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन उसके उसमें कराया, चलो कोई बात नहीं इसका नहीं कराया बड़ी वाली का, आप छोटी वाली जो आपकी बेटी है उसका तो लाडली में करवा लीजिए। जब वो 16 से 17 साल की होगी आपको 1.5 लाख रुपया सरकार दे रही है। आप बताओ पढ़ाई का खर्चा आपका सरकार उठा रही है, आपका जब आप पैदा करना, जैसे कि आपको पता होगा मातृत्व योजना, उसके अंतर्गत लोगों को यही नहीं पता होता कि 3 महीने में उनको 2000 रुपए फर्स्ट थर्ड मंथ जैसे चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो उनको 2000 रुपए दिए जाते हैं गरीब लोगों को अगर उन्होंने अपना आंगनवाड़ी में या किसी भी हेल्थ सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। क्योंकि अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं आप करा रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही। अच्छा बेटियों के लिए तो बड़ी खास स्पेशल स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो है। बिल्कुल वही मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मातृत्व योजना के बारे में मैंने उनको बताया कि आपकी हमारी गवर्नमेंट मतलब जो सरकार है ये वो ये भी कर रही है, 3rd महीने आपको 2000, 6th महीने फिर 2000 और उसके बाद 9th मंथ में जब आपकी डिलीवरी होती है फिर 2000 देती है, ताकि वो जो आपको उस दौरान खाने पीने की जो एनीमिया या कुछ कमी हो रही है, जो कमी हो रही है, तो आपके लिए उतना पैसा मतलब महीने का 2 महीने का इतना काफी है। तो उन्होंने कहा कि मैम हमें तो ये मिलता नहीं, तो मैंने कहा आपने रजिस्ट्रेशन कराया। फिर वही बात सारी वही आ जाती है, अवेयरनेस की कमी है। तो ये अवेयरनेस जाके मैं स्लम टू स्लम, आज अभी मैंने तकरीबन 10-20 स्लम्स जो हैं वेस्ट दिल्ली के, वहां पर जाके जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर ये स्कीम्स की अवेयरनेस डाली, उनके नाम लिखे प्रेग्नेंट, उनको ये बताया कि कैसे ये करते हैं। तो हर इंसान, हर लोग जो है वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि अच्छा। फिर ये भी पूछा जाता है कि हम तो दिल्ली में रहते हैं तो हमें ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत हमें मिलेगा या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें ये स्कीम्स देगी। अच्छा, तो मैंने, उनको ये भी नहीं बता रहता। उनको ये भी नहीं बता होता। तो मैंने कहा क्यों नहीं देगी, आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, आप भारत का हिस्सा हैं, तो चाहे दिल्ली हो चाहे मद्रास हो, तो आपको तो ये योजना का अलग क्राइटेरिया नहीं होता, क्राइटेरिया नहीं हो, तो आपको ये लाभ जरूर मिलेगा। तो फिर उनके अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस जाग गया। तो आज क्या है, जहां मैं जाती हूँ तो नाम ये लिया जाता है कि नेहा दुआनी वो प्रधानमंत्री की योजनाओं वाली मैम आ रही है। बड़ी अच्छी बात तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनके कि अच्छा ही कौन है ये, वो है जो प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में बताती रहती हैं, सरकार की स्कीम्स के बारे में बताती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी नेहा फाउंडेशन काफी कुछ कर रहा है, उसमें से किस किस तरह के आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही हैं? उसमें इसी टाइप के हैं कि ओवरऑल ग्रूमिंग या लड़कियों को काउंसलिंग करना, बेसिकली उनके के कैरियर के लिए कि कौन सा कैरियर चूज करना आपके लिए बेस्ट है, जो कंफ्यूजन रहता है जो बिल्कुल रहता है 10th 11th में या 12th में आके, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और स्पेशली एक मिडिल क्लास लड़की के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि कई बार वो चाहती भी है कि मैं मेडिकल करना चाहूँ तो भी जस्ट बिकॉज ऑफ मनी के पैसा इतना नहीं है। तो उनको ये बताया जाता है कि आप उतने होशियार बनिए, सरकार बैठी है, सरकार आपको आप उतने काबिल बनिए, सरकार आपका हर खर्चा उठाएगी। तो ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। मैं कहती हूँ मेरे जैसे सिर्फ मुझे ही नहीं, और भी लोगों को ये इनिशिएट लेना चाहिए और जाके ये अवेयरनेस लोगों में फैलानी चाहिए
मतलब गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए, एक या आम नागरिक को भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि अगर हम एजुकेटेड हैं, हमें पता है ये सरकार की स्कीम्स हैं, तो हम गरीबों में जाके क्यों नहीं बताते? क्यों हम सोचते हैं कि कौन झुग्गियों में जाएगा, कौन झोपड़ियों में जाएगा, कौन गंदगी में घुसेगा? हाँ। और ये सब करेंगे, अगर ये हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले तो मेरे ख्याल से गरीब और जो अमीर के बीच की जो दूरी है वो काफी कम की जा गैप है बेसिकली, वो फिल हो सकता है कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर नेहा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल फिर भी अवेयरनेस काफी बढ़ रहा है, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो उसके विकास के लिए भी सरकार की तरफ से ढेरों स्कीम्स है जिनको लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपको लगता है कि सरकारी स्कीम्स का, जिन पर आप भी काम करती हैं या अवेयर करती हैं आप गाँव के लोगों को, लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को, आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है जिससे कि वो अवेयर हो पा रहे हैं? कहीं ना कहीं उसमें कमी आपको नहीं नजर आती? उसमें कमी है ना, कि पहली बात तो अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं होता सरकारी योजनाएं आई भी और चली भी गई। इसका रीजन आप क्या समझती हैं? इलिटरेसी, इंटरनेट कनेक्शन वहां गांव में नहीं रहता, या इलिटरेसी, जिस पढ़ाई की कमी, लोगों को पता ही नहीं होता? तो मुझे लगता है सरकार को यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ और ऐसी बॉडी, एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए, चाहे उनको सोशल रिफॉर्मर्स को लेके बनाई जाए या कुछ और लोगों को लेके, जिससे कि वो गांव में, रूरल एरियाज में जाके इस टाइप की अवेयरनेस फैलाएं। अब देखिए, टॉयलेट को लेके सरकार ने कितना अच्छा काम किया, शौचालय, शौचालय का मतलब शौच, तो वो सोच को चेंज करके आप देखिए बदल गई, बहुत ही अच्छा। मतलब कई लड़कियां आज ये कहती हैं कि हमने शादी नहीं करनी क्योंकि, और इस पे मूवी भी जैसे बनी थी, तो ये बात सच भी है, मूवी भी उसी चीज पे बनती है जो रियलिटी होती है। तो ऐसा और नहीं कितना है कि अवेयरनेस बढ़ा उस मूवी से, बिल्कुल बॉलीवुड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं तो कहती हूँ बॉलीवुड को ऐसी मूवीज बनानी चाहिए जो कम से कम कुछ संदेश दे लोगों के अंदर। कंटेंट इज द किंग हम बात करते हैं, कंटेंट वाली मूवीज बनाएंगे, और उस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज आ भी रही हैं। अभी एक लड़की ने हाल ही में, मैंने एक डिबेट में इंडिया न्यूज पे बैठी थी, यूपी की एक लड़की ने अपने पेरेंट्स को कहा कि अगर आप टॉयलेट नहीं बनाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। पेरेंट्स को लगा कि ऐसे ही कह रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि टॉयलेट के लिए सुसाइड कर लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे बच्चों को, ऐसी लड़कियों को, टीनेजर्स को समझाऊंगी कि प्लीज आप पेरेंट्स को समझाइए, नहीं मानते तो गांव की पंचायत में अपना बात रखिए, वो नहीं सुनते तो आप सरकार को बोलिए, कोई नहीं सुनेगा तो मैं हूं ना, आप मुझे बोलिए, मेरा मैंने टोल फ्री नंबर भी अपना दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अपनी जान से कीमती कुछ नहीं है, बिल्कुल सही, जिंदगी बहुत जरूरी होती। तो उस लड़की की जब जान चलेगी तो पेरेंट्स, मतलब दो मंजिला मकान, इतना बड़ा घर और उसमें टॉयलेट नहीं, अच्छा रीजन क्या था? बस वही बेकार की सोच के घर में हमारे तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो हम टॉयलेट नहीं बना सकते, मतलब। और फादर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अरे बाप, कैन यू इमेजिन। तो ऐसी, मैं वही आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ अवेयरनेस। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि मैं जहाँ ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सरकार की स्कीम्स के बारे में बताती हूँ, और सिर्फ बताती नहीं हूँ, फॉर्म्स भी भरवाती हूँ, उनको कुछ करवा के देती हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि ये भी औरों की तरह आई, बोली, बात की, बात कहा की, और फिर चली, और फिर चलेगी। क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर यही होता है, जब मैं जाती हूँ फर्स्ट टाइम किसी स्लम में तो यही बोलते हैं ये मैम ये भी आई हैं और लोगों की तरह बातें करेंगी और भीड़ इकट्ठी करेंगी और फिर चली जाएंगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अब आप क्या कहना चाहेंगी, हम ये कहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए अभी आपका क्या मैसेज है जिससे उनको लगे कि हाँ, उनको अगर आगे बढ़ना है तो उनको सरकारी स्कीम्स में हिस्सा लेकर, मैं कहूंगी पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए आयुष्मान योजना है, उसके अंतर्गत आपको 2 लाख या 8 लाख के करीब का एक मेडिकल कवरेज दिया जाता है। तो ये सारे जितने भी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग हैं, ये उन्हीं के लिए तो है ये। कोई, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो गरीब लोग हैं वो ये ना सोचें कि वो अकेले हैं या उनके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं है या सरकार अमीरों की है, ये सरकार तो पूरी की पूरी गरीबों की ही है। इतनी सारी योजनाएं। जब मैं भी इनके बारे में नहीं जानती थी तो मैं भी ये सोचती थी कि नहीं, मेरा शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मैं थोड़ा अपना बिजनेस में ध्यान देती थी। लेकिन जब मैं ऐसा, मेरे अंदर कुछ ना कुछ एक वो कहते हैं ना, कीड़ा सा रहता था कि कुछ करना है, कुछ करना है देश के लिए। तो लोग कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, ये सब ना किताबी बातें होती हैं, लेकिन वाकई में जब
कोई आप इस लाइन में घुसते हो और आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी, चाहे एक इंसान की जिंदगी बदल रही है, तो आपके अंदर ना वो मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। बिल्कुल, असल जिंदगी से आप रूबरू होती भी हैं और लोगों को आप कर भी रही हैं, जो कि एक बहुत ही नेक काम है। नेहा, आप इसी तरह से जो आपका फाउंडेशन है वो बेटियों के लिए ऐसा करता रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने बात की अभी अभी नेहा जी से, और हमने ये जाना कि उन्होंने हमें बताया कि उनका जो फाउंडेशन है वो लड़कियों के लिए किस तरह से काम करता है और जो रूरल इंडिया है उसे किस तरह से अवेयर कर रहा है, एडुकेट कर रहा है सरकारी स्कीम से, जिससे कि वो उसका लाभ उठा सकें। खैर, आगे बढ़ने का वक्त हो गया है और अब बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे की, जो कि 28 सितंबर को है, हाल फिलहाल आने वाला है। और हम ये देख रहे हैं कि 16 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इस दिन को मनाया जाता है और पूरे 12 दिनों के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हम सबको पता है कि इंडिया में अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग तरह का खान पान है, तो इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आइए देखते हैं। We have donuts, we have chocolate glazed muffins, everything is there. We have chicken meal combos, we have vegetarian stuff, everything is there. We are celebrating this to create a cultural independence, to create unity. Moreover, in the growing 21st century, we need to bring out the taste of India, we need to bring out the diversity of our culture, and this is a very good platform for us to showcase our Indian diversity and our culture. Tourism Day की हम बात कर रहे हैं कि Tourism Day मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, तो I understand कि especially एक जो India जैसा देश है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि हर state कुछ अलग है। यहाँ पे हमने बहुत सारी states के stalls लगे हैं, अलग अलग खाना है, अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग टेरिटरीज हैं, यू नो, माउंटेन से लेके डेजर्ट तक सब कुछ है। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ों का जायका उठाया है। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, पर यहाँ ईस्ट इंडिया की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नागालैंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और मैं चाहूँगी आप भी यहाँ आकर इसे इंजॉय करें। पर्यटन पर्व पे तो सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि हमें अपने देश के बारे में ही काफ़ी कुछ पता चला, कई कुछ ऐसी डिशेस के बारे में पता चला जो शायद हमें भारत में रहते हुए नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट करती है। सिर्फ डिशेज ही नहीं, हमने कई ऐसे कल्चरल छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी देखे। पर्यटन पर्व का सबसे बड़ा महत्व तो यही होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें वो चीज़ें पता चलती जो शायद हमें कभी किस टाइम हमारे माँ बाप कहते थे कि हमारे ज़माने में हुआ करती थी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये, अपने कल्चर, अपने फूड कल्चर लोगों को बताने का, और इस तरीके से मार्केटिंग भी हो जाती है, एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है, एंड वे कम्प्लीटली इंजॉइंग। इट शुड हैपन लाइक एवरी ईयर सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट दिस दीज थिंग्स दैट इट एक्चुअली हैपन्स इन इंडिया, नॉट ओनली इन अदर कंट्रीज। तो देखा आपने, लोग बढ़ चढ़कर इस त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं, इस पर्व को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। तो आज हम पर्वों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना टूरिज्म पर्व पे भी हम बात करें। और ये बहुत ही स्पेशल होता है, आपको बता दें, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कल्चर्स एक साथ जब एक देश में हमको देखने का मौका मिलता है तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। जो आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा अभी कुछ शॉट्स में, वैसे आप और इंजॉय करेंगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अनीता शर्मा है, जो कि IHM पूसा से यहाँ पर आई हैं, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। नमस्कार।
तो जिस तरह से हमने अभी अभी देखा कि लोग बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आज अगर यूथ की बात करें तो वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। IHM के भी काफ़ी बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगी कि ये जो टूरिज़्म फेस्टिवल है, इसकी नींव जो रखी गई, आपके हिसाब से क्यों ज़रूरी है हमारे देश में मनाना? हमारे देश में मनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं डिफरेंट कल्चर और कुजींस के बारे में, जिससे कि डोमेस्टिक टूरिस्ट एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट को ये पता चले कि हमारा देश डिफरेंट कल्चर से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डांसेस, एंटरटेनमेंट और ये सब चलता है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है बताना कि पर्यटन पर बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो उसे प्रमोट करने के लिए, फॉरेन टूरिज्म की बात करें उसको प्रमोट करने के लिए, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमेशा भारत में सुनते आते हैं, आपके लिए मतलब आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन दिस फेस्टिवल? ये जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इसके लिए जब हम आप ये पर्यटन पर्व जो राजपथ लॉन्स में लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो एक प्रकार की क्यूरोसिटी होती है, फीलिंग आती है, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, एक सद्भावना की फीलिंग आती है जब हम अलग अलग प्रकार के खाने को टेस्ट करते हैं, और वहाँ पर शाम के समय कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर फोक डांसेस हैं, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, उससे उसकी वजह से एक तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अपने देश के बारे में प्राउड फील करते हैं हम। और इस बार का तो जो थीम है वो भी यही रखा गया, जैसे हम हमारे देश में आजकल डिजिटल इंडिया को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि किस तरह से पूरे समाज को, पूरे देश को उनको डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। सो टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस बार का थीम रखा गया है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? इट्स रियली गुड, एक तरह से हम ब्लैक मनी को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात आपने कही, सिंस आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट्स हैं तो मैं खाने पीने को लेकर भी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि किसी भी स्टेट में जब कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आता है तो सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट इसलिए भी होता है क्योंकि उसको वहां अच्छा टेस्टी फूड मिलता है, वहां के कल्चर को पहचानने का मौका मिलता है वहां के व्यंजनों से, जो मेरे इनफैक्ट बात करते करते मुंह में पानी आ जाए तो आई एम सॉरी। वेल, यहाँ पे जानना चाहूंगी खाने पीने की आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस होती है एक टूरिस्ट के लिए जब भी वो किसी स्टेट में आता है घूमने के लिए? जब भी वो किसी स्टेट में जाता है तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने देखा है 5-star होटल्स में भी शेफ लोग स्ट्रीट फूड जाके वेंचर करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट का या एक पर्टिकुलर शहर में जाकर स्ट्रीट फूड वेंचर करने के बाद उसको एक कंटेम्पररी स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने कहा कि शेफ्स भी स्ट्रीट फूड को जाके इंजॉय करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं और यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो किसी भी चीज़ में बहुत ही सराहनीय होता है, और आजकल का जो यूथ है वो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता भी है जिस तरह से अभी अभी हमने देखा भी। IHM के बच्चे भी खासतौर से अगर देखें तो इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ वो इसमें कर रहे हैं? इस वीक के दौरान हमने काफ़ी प्रतियोगिताएं आयोजन करी हैं, जैसे कि क्विज कॉन्टेस्ट, पोस्टर मेकिंग, पोइट्री कॉम्पिटिशन और रंगोली कॉम्पिटिशन, इस तरह की प्रतियोगिताएं हमने अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज करी हैं जिससे कि यूथ का काफ़ी एक्सपोजर हुआ है, उनका नॉलेज बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस भी काफी हाई जा रहा है। अच्छा, कुकरी को मैं कहूंगी जो कुकरी पार्टिसिपेशन या कुकरी प्रोग्राम्स रखे गए हैं, कुछ कॉम्पिटिशन भी इसमें ऐसे रखे गए हैं जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी, इंडिया गेट लॉन्स पर हमने लाइव शो रखा है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट के व्यंजनों
और स्पेशल डिश का डेमो चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट भी है वो स्वच्छता पर काफी फोकस कर रही है, और ये तो पूरा जो वीक है, अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे जिस तरह नेहा जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो पूरा वीक है वो सेवा सप्ताह भी उसे हम कह रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। टूरिज्म, ये जो पूरे डेज चल रहे हैं उसमें भी इस पर काफी फोकस किया जा रहा है, तो किस तरह की एक्टिविटीज रखी गई हैं, कुछ प्लेस के थ्रू डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है? जी, हमारे स्टूडेंट्स उन वो एक स्वच्छता अभियान नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। जी जी। और शौच युक्त भारत, ओके, ये 2 नाटक चल रहे हैं और फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं पूरे दिन के अंदर। अच्छा अच्छा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी उनको तो। जी, प्रैक्टिस तो 1 महीने से चल रही है। अच्छा, तो मतलब किस किस तरह से वो तैयारी करते हैं, कैसे वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन क्या प्ले करेगा, एंड देन वो सब भी कुछ क्राइटेरिया होता है? वी हैव अ क्लब, ओके, इन विच दे पार्टिसिपेट। अच्छा, जिस तरह से आपने भी कुछ पॉइंटर्स मेरे साथ डिस्कस किए थे, और आपने कहा कि जब बच्चे इस तरह या यूथ इस तरह पार्टिसिपेट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि आज का जो यूथ है वो इतना अवेयर है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस तरह से आपने बात की शौच युक्त भारत या ओपन डेफिकेशन फ्री, जो हम इंडिया की बात करें, जो कि रूरल इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, जो उनका सपना है, तभी वो न्यू इंडिया अश्योरेंस कर पाएंगे 2022 तक, जो कि वो कहते हैं। तो व्हाट यू हैव टू से All about that, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए आपको लगता है, और कुछ होना चाहिए इसमें? स्वच्छता ही सेवा है, एक तरह से हम मन की सफाई कर रहे हैं, और जब ये यूथ इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं वो बड़े लोगों को भी एक तरह से प्रेरित करते हैं कि हम अपनी साफ सफाई रखें, आसपास का एरिया साफ रखें, और यूथ के मन में अगर बचपन से कोई चीज डाल दी जाए तो वो परमानेंट इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल सही कहा, बचपन से ही जब स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाता है, या फिर वो जो अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, और आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चे साफ सफाई को लेकर इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि अगर गाड़ी में से कोई कचरा पेरेंट्स भी बाहर फेंक रहे होते हैं तो वो उनको भी टोक देते हैं कि मम्मी या पापा ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। सो ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है जो पूरे देश भर में क्रिएट हो रही है, स्वच्छता ही सेवा है, और यही हमारा मिशन है कि पूरे देश भर को हम गंदगी से आजाद कर सकें और एक शौच मुक्त भारत हमें मिले, और जो रूरल इंडिया है उसका विकास हम कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, और उसमें देशवासियों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इसीलिए अगर मैं कनेक्ट करूं, वापस आऊं टूरिज्म डे और टूरिज्म जो पूरे डेज मनाए जा रहे हैं, इसका भी बेसिकली यही मोटिव है कि सब लोग एक साथ आए, उनको एक साथ इस कल्चर को जानने का मौका मिले, और अलग अलग जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, डाइवर्सिटीज हैं, उनके साथ भी उनकी पहचान बने, उनका जुड़ाव हो। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूंगी कि एंड में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए अपने देश के लिए। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था एक जमाने में, और अभी भी मुझे लगता है ये फीलिंग मुझे अभी भी आती है। बिल्कुल सही, सोने की चिड़िया भारत कहलाया करता था, और ये फीलिंग मैम को तो आती है लेकिन हमें भी पता है, और हमें भी आती है ये फीलिंग कि आगे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें जो सब कुछ करना पड़ेगा वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, बिकॉज एक अकेले इंसान के बस की वो बात नहीं है। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में हैं IHM के, आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, उनको बहुत कुछ सिखाने का भी मौका मिलता होगा, आई एम श्योर। आप कैसे आए इस फील्ड में, मतलब क्यों सोचा आपने आपको यहाँ पर आना चाहिए? पहले तो मैंने मेडिकल में अप्लाई किया था, और फिर इसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया, और मैंने जब अप्लाई कर दिया तो मेरा एडमिशन हो गया, उसका नहीं हुआ, तो इस तरह से मैंने आपका हो गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि मेरे को 1 महीने बाद मेडिकल में एडमिशन मिल गया, पर मुझे ये होटल मैनेजमेंट कॉलेज इतना अच्छा लगा कि यहाँ मेरा मन लग गया, और अच्छा। मैंने जाने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, वेरी नाइस। कितने सालों से आप यहाँ पे? मैं 28 साल से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, और मैं यहीं से ही पढ़ी हूँ। अच्छा, ओके। मैं इस कॉलेज से 1978 से अटैच्ड हूँ। अच्छा, जो थीम हमारा रखा गया है टूरिज्म का इस बार का, डिजिटाइजेशन जिस तरह से हम बात करते हैं, आपको लगता है कि आज हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हो गई है, या फिर लोगों को इसके लिए कुछ और सीखने जानने की आवश्यकता है? हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डिजिटाइज नहीं हुई है, काफ़ी लोग जो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कई चीज़ें इस्तेमाल करने नहीं आती हैं,
यहाँ तक कि फ़ोन भी मैं देखती हूँ मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर पाते. जैसे हम मेरे घर में एक मेड आती है तो वो बोलती है कि फ़ोन मेरे को पकड़ा देगी और बोलेगी कि आप फ़ोन कर लीजिए. तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा पूरा डिजिटाइजेशन होने में, क्योंकि अभी कोई सिखाने के लिए है नहीं इनको. कोई हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये सब लोग सीख सकें, तभी पूरा डिजिटाइजेशन होगा. बिल्कुल, और उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. अगर हम कल्चर की बात करें अलग अलग शहरों के, अलग अलग देश के, हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं. और इंडियन हेरिटेज की जहां पर हम बात करते हैं, जिसके लिए टूरिस्ट यहां पर आते हैं, आपको मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि हमें किस तरह से उनको संभाल के रखना चाहिए, उनको संजो के रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और हमारे यूथ को उसके बारे में जानना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? हमें उसे संजो के रखना चाहिए, हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए कोई बिल्डिंग. हम भी चाहते हैं कि कुछ अडॉप्ट करें ताकि हम वहाँ पर सफाई करें, बच्चों को ले जाएं वहाँ पे सफाई करें. अभी हाल में ही मैं इस दौरान नेक्स्ट सैटरडे जंतर मंतर जाने वाली हूँ और स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर हम सफाई करेंगे मिलकर. बिल्कुल सही. और हम देखते हैं कि आजकल तो तरह तरह के खान पान पर लोगों का बहुत फोकस रहता है. लाइक अगर कोई दिल्ली आए तो उसको लाइक कुछ दिल्ली की स्पेशलिटी बहुत पसंद आएगी तो वो इसीलिए दिल्ली में खींचा चलाता है. पंजाब की बात करें तो बहुत रिच फूड होता है, पहाड़ों की बात करें, हिमाचल की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अलग अलग तरह का खाना होता है और वहाँ की तो खासियत ये होती है कि वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, राइट? तो आप क्या समझती हैं कि खान पान का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कल्चर के लिए, मतलब कहीं पर भी अगर कोई जा रहा है तो? एक एक कहावत है कि दिल का रास्ता पेट से होता है. तो एक खाना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इंसान के लिए. अब जब आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ की स्पेशलिटी खाते हैं और उसके बारे में तारीफ करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो वो दूसरे लोग भी वहाँ पर जा खींचे चले आते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. और मुझे ना इस बात से याद आ गया, ये भी कहा जाता है पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है. सो आप तो मैं ये भी कहूंगी कि इनफैक्ट घर में भी अलग अलग तरह की खान पान को लेके बातें होती रहती होंगी और अलग अलग तरह की डिशेज आप ट्राई करती रहती होंगी. जी है ना, आपको खुद को भी कुकिंग का शौक है वैसे? कुकिंग का शौक है. अच्छा, तो क्या क्या बनाना आप पसंद करती हैं लाइक खाने पीने में? खाने पीने में कुछ भी बना सकती हूँ मैं. अच्छा, हालांकि मैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं हूँ पर फिर भी 30 साल पहले जो मैंने पढ़ा है मुझे अभी तक याद है. कोई भी आपके सामने अगर डेमो होता है या आपने खुद बनाया है तो याद रहता है कैसे बनाना है. हाँ, और एग्जैक्टली. और इस बार की जो एक्टिविटीज रखी गई है उसमें तो कुकरी क्लासेस भी दी जा रही है ना? जी, उसमें ऑडियंस सबसे बड़ी बात है. इस साल जो है ऑडियंस भी हिस्सा ले रही है और कुछ कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से भी है. कहीं कुछ अगर डेमो देने वाले छोड़ दें तो वो ऑडियंस कंट्रीब्यूट कर रही है. तो इट इज गोइंग इन अ वेरी प्रोग्रेसिव वे दिस ईयर. बहुत अच्छी बात आपने कही. और इस तरह से अगर हम बात करें कि ये जो पूरा पर्व है, जो फेस्टिवल है टूरिज्म का, वो हर साल इस तरह से इतने ही मैं कहूंगी एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट होना चाहिए. व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स लाइक इसके बारे में, कि आप क्या समझाना चाहेंगी या क्या बताना चाहेंगी अपनी तरफ से इस स्पेसिफिक फेस्टिवल के बारे में दर्शकों को? मैं ये कहूंगी कि एक तो ये अनेकता में एकता का प्रतीक है. दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि वी शुड बी प्राउड. हमें भारतवर्ष के लिए बहुत प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार के कल्चर और कुजीन है जो कि किसी भी और देश में नहीं पाए जाते और इसका हमें बहुत अपने ऊपर गर्व होना चाहिए. बिल्कुल सही आपने कहा मैम. थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू मैम. तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हैं, तकरीबन 50 स्टॉल्स खान पान के लगे हैं, 50 स्टॉल्स हैंडीक्राफ्ट्स के लगे हैं और भी अलग अलग तरह के कल्चर्स के, जिससे कि आपको यहाँ पर आकर हर स्टेट के बारे में जानने का मौका मिले और टूरिस्ट के लिए क्या अट्रैक्शन है या फिर क्या पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं हमारे देश में आने के, ये तो हम सब जानते ही हैं. उसमें खान पान एक बहुत बड़ी वजह है जो कि हमेशा से लोगों को पसंद रहा है और लोग उसकी वजह से खींचे चले आते हैं यहाँ पर. खैर, इंडियन हेरिटेज की भी बात करें तो उसको संभाल के और संजो के रखना कितना ज़रूरी है हम सबके लिए और हमें इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी बहुत ही बड़ी बात है. इसी खूबसूरत नोट पर गुड इवनिंग इंडिया में आप सबसे इजाज़त चाहूँगी. एक बार फिर हम हाजिर होंगे एक और खास विषय पर चर्चा करने के लिए. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. नमस्कार.